देश भर में समय मौसम एक पहेली बन गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप प्रेशर बुधवार को चक्रवाती तूफान फेंगल में बदल गया। फेंगल को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये साइक्लोन तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में तबाही मचा सकता है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है। इसका असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से लेकर पंजाब तक देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन मंगलवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक 27 नवंबर यानी आज यह चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हो गया और इसकी तीव्रता भी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगले दो दिनों में श्रीलंका तट से सटे तमिलनाडु तटों की ओर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बढ़ता रहेगा। इससे कोस्टल राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 29 नवंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बनने की आशंका है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 27 से 30 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। केरल और माहे में 27 नवंबर को बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में 28-30 नवंबर के दौरान भारी बारिश से हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश में तूफान का भारी असर पड़ सकता है। सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और खासकर शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी में भी कमी आने का अंदेशा है। जल भराव के कारण प्रमुख शहरों में ट्रैफिक बाधित हो सकता है। कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा जल भराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। फेंगल तूफान को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट को लेकर प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के त्रिची, रामनाथपुरम, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। जबकि दक्षिण में भारी बारिश हो रही है, वहीं उत्तर भारत घने कोहरे की तैयारी कर रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आईएमडी ने चेतावनी दी है कि ये क्षेत्र 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक घने कोहरे से प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 27 से 30 नवंबर तक कोहरे से कुछ इलाकों में रहने की उम्मीद है। इससे दैनिक गतिविधियों और विजिबिलिटी में बाधा आ सकती है। स्काई मेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।